हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा आयुर्वेदिक उपाय लेकर आया हूं जिसका सप्ताह में केवल एक बार इस्तेमाल करने से आपका काला चेहरा और सामला चेहरा गोरा होना शुरू हो जाएगा चेहरे से पिंपल रिंकल झुर्रियों की समस्या खत्म हो जाएगी डलनेस की समस्या खत्म हो जाएगी और आपका चेहरा बेदाग दिखाई देने लगेगा और आपका चेहरा गोरा दिखाई देने लगेगा आज के समय में लड़के हो या लड़की हो उनका चेहरा सांवला होने लगा है और चेहरा काला पड़ने लगा है इसकी प्रमुख वजह शरीर में विटामिन की कमी का होना है और इसके अलावा वातावरण में प्रदूषण का होना है यह प्रदूषण आपके चेहरे पर जमा होने लगता है और आपका चेहरा काला पड़ना शुरू हो जाता है आज मैं आपके लिए जो आयुर्वेदिक उपाय लेकर आया हूँ यह बिल्कुल प्राकृतिक है इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका सप्ताह में केवल एक बार इस्तेमाल करना है और सप्ताह में केवल एक बार इस्तेमाल करने से आपका चेहरा गोरा दिखाई देने लगेगा इसके लिए आपको सबसे पहले जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो है हल्दी हल्दी में एंटी फंगल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो आपके चेहरे पर पनपराय बैक्टीरिया को ख़त्म करती है इसके अलावा हल्दी में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो आपके चेहरे में जमी हुई मैल और प्रदूषण को निकाल फेंकती है और गंदगी को निकाल फेंकती है और आपके चेहरे को गोरा करने में मदद करती है इसके अलावा हल्दी का प्रयोग शादी के समय ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पर करते आ रहे हैं क्योंकि हल्दी में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिससे आपका चेहरा गोरा दिखाई देता है बेदाग दिखाई देता है चेहरे से पिंपल, रिंकल झुर्रियों की समस्या ख़त्म होती है और डलनेस की समस्या ख़त्म होती है तो सिंपल सा आपको एक स्टील की कटोरी लेनी होगी या प्लास्टिक की कटोरी लेनी होगी और उसमें एक चम्मच के बराबर हल्दी को लेना होगा हल्दी बहुत ही फायदेमंद चीज़ होती है दोस्तों यह है आपके चेहरे को गोरा करने में मदद करती है जो अगली चीज़ आपको लेनी है यह लेना है नींबू नींबू में विटामिन सी पाया जाता है साइट्रिक एसिड पाया जाता है अमीनो अम्ल पाया जाता है शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण ही आपका चेहरा काला पड़ने लगता है जब नींबू का रस आप अपने चेहरे पर लगाएंगे तो यह विटामिन सी की कमी की पूर्ति करेगा और आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा और नींबू के रस में ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं जो आपके चेहरे से पिंपल, रिंकल झुर्रियों की समस्या को ख़त्म करती है और डलनेस की समस्या को भी खत्म करती है तो सिंपल सा आपको नींबू काट लेना है और इस आधे नींबू को इस हल्दी में मिला देना है दोस्तों नींबू का प्रयोग हम पेट संबंधी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए करते हैं जब आपके पेट में गैस होती है या अपच होती है या आपका खाना सही से पच नहीं पाता तो आप नींबू का रस लेते हैं क्योंकि नींबू के रस में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपके खाना को पचाने में मदद करती हैं जो अगली चीज़ आपको लेनी है यह लेना है एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिससे आपका चेहरा गोरा दिखाई देने लगता है और बेदाग दिखाई देने लगता है चेहरे से पिंपल, रिंकल झुर्रियों की समस्या खत्म हो जाती है इसके अलावा एलोवेरा जेल में विटामिन ए विटामिन बी विटामिन डी पाया जाता है इन्हीं विटामिन की कमी के कारण आपका चेहरा काला पड़ने लगता है तो सिंपल सा मैंने पहले ही एलोवेरा जेल निकाल के रखा हुआ है इसमें एक चम्मच के बराबर एलोवेरा जेल मिला दीजिए अब क्या करिए दोस्तों हल्दी नींबू और एलोवेरा जेल को आपस में अच्छे तरीके से मिला लीजिए और इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए कुछ इस प्रकार का पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है अपने चेहरे पर मैं आपको यह बताऊंगा। सबसे पहले रात में सोने के एक घंटे पहले इसे अपने चेहरे पर लगाइए पाँच मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करिए और इसका सप्ताह में केवल एक बार इस्तेमाल करना है और सप्ताह में एक बार इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि आपका चेहरा गोरा दिखाई देने लगा है